इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि F250 का एयर फिल्टर कैसे चेंज करते हैं। आपको इसकी सीट खोलनी है यहाँ पे चाबी लगा के। ये हमने निकाली इसकी पीछे की सीट जो कि ऐसे निकलती है और अब आएगी ये वाली सीट बाहर। इस सीट को बाहर निकालने के लिए आप थोड़ा इसको ऊपर करना है और पीछे खींचना है ऐसे। बजाज ने काफी अच्छा काम किया है कि सीट के नीचे ही आपको एयर फिल्टर का एक्सेस दे दिया है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे हो और आपका एयर फिल्टर अगर खराब हो जाता है तो आप यहीं से उसे चेंज कर सकते हो। एयर फिल्टर बॉक्स खोलने के लिए आपको खोलने हैं ये चार स्क्रू। एयर फिल्टर बॉक्स को बाहर निकालने के लिए हमें ये चार स्क्रू खोलने हैं और इन चारों स्क्रूज को जब आप खोल लोगे तो इसे बहुत ही आराम से बाहर निकालना है। ध्यान दें कि एयर फिल्टर भी बाहर ना आ जाए। तो ये है इसका ओल्ड एयर फिल्टर और अभी गाड़ी चल चुकी है सिर्फ 6000 किलोमीटर, उसमें ये हालत हो चुकी है इसकी। अब हम इसे भी बाहर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं ये साइड क्लीन होती है और ये साइड बहुत ही डर्टी है क्योंकि यहां से हवा अंदर जाती है और सारा जो डर्ट है यहां पे फंसा होता है। अब हम नया एयर फिल्टर से इसे कंपेयर करते हैं तो ये आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो गई है इसकी 6000 किलोमीटर में। हम लगाएंगे ये नया ब्रांड न्यू एयर फिल्टर कुछ इस तरह। ध्यान रखिएगा ये जो बड़ा साइड है एयर फिल्टर का, ये बड़ा वाला जो नॉच है इसको आगे की तरफ रखना है और छोटे वाले नॉचेस इस तरफ। ये हमने लगा दिया है अभी ब्रांड न्यू एयर फिल्टर और हम लोग इस पे लगाने वाले हैं वापस से इसका बॉक्स। बॉक्स को वापस लगाने के लिए सेम प्रोसीजर है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो इसके सारे स्क्रूज निकाल लीजिए, वरना अगर ये अंदर गिर गया कहीं पे तो काफी मुश्किल होगी इसे ढूंढने में। मैं तो बहुत बार कर चुका हूं तो मैं इसको अलाइन करके रख देता हूं इसके अंदर और आप ये देख सकते हो कि अंदर जा चुके हैं ये स्क्रूज, ये वाले भी अंदर जा चुके हैं चारों। ओके अब एक सिंपल स्क्रू ड्राइवर से इसे वापस टाइट कर देना है एंड यू आर डन। तो एयर फिल्टर बॉक्स अब हम लोग टाइट कर चुके हैं सारे स्क्रूज और अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है सीट कवर वापस लगाने का। इसका जो प्रोसेस है वो उल्टा है, पहले हम लोग ये वाला सीट लगाएंगे और उसके बाद ये वाला। ये हमने लगा दिया है अभी पीछे का भी कवर और गाड़ी फिनिश है। बहुत ही सिंपल काम था, बजाज की डिजाइन बहुत अच्छी इन्होंने की है ये गाड़ी को। एयर फिल्टर आप निकाल सकते हो और नया लगा सकते हो सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और हमें आज भी याद है हम लोग जब CBR और डोमिनार पे करते थे तो सारा टैंक वगैरह सब बाहर निकालना पड़ता था जो कि काफी हेक्टिक काम हो जाता था। गुड जॉब गाइज, गुड जॉब, गुड डिजाइन।